हेलो गाइज, वेलकम बैक टू दी माय चैनल। हाउ इज यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइज, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में फिर से। तो आज की वीडियो क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, जैसे कि आप सबको मेरा जूडियो का हॉल बहुत पसंद आता है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं जूडियो जा रही थी, मुझे थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी तो उसके लिए मैं जा रही थी। तो मैंने सोचा समर्स आ गए तो लेटेस्ट कलेक्शन भी आए होंगे वहां के, तो साथ ही साथ ब्लॉग भी शूट करूं और आप लोग को भी दिखाऊं। और जो भी मैं लेने वाली हूं मैं आप लोग को वहीं बताती जाऊंगी, क्योंकि मैं ये वीडियो इतनी बड़ी नहीं बनाने वाली, तो मैं वहीं के वहीं आप लोग को बताने वाली हूं कि मैं क्या क्या लूंगी। तो बस मैंने सोचा कि इंट्रो में पहले ले लूं वहां जाने से पहले, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा साउंड होता है तो मैं नहीं ले पाती, तो इसीलिए मैं इंट्रो अभी ले रही हूं। तो चलिए गाइस, चलते हैं जूडियो और मैं आप लोग को वहां दिखाती हूं कि अभी लेटेस्ट क्या क्या आया हुआ। सो लेट्स गो। सो यहाँ आती सी सबसे पहले मेरी नज़र पड़ी इन डमी पे, जिन्होंने अभी लेटेस्ट कलेक्शन पहना हुआ था, और साथ ही साथ मेरी नज़र गई इस टी शर्ट पे जो कि काफ़ी प्यारा लग रहा था, और इसके तीन कलर ऑप्शन थे तो मुझे वाइट बहुत ज़्यादा पसंद आया तो मैंने उसको ले लिया। उसके साथ ही साथ ये 199 के कुछ टी शर्ट्स के बहुत प्यारे प्यारे कलर्स आए थे तो मुझे ये लेने थे अपने घर के लिए, तो ये मैंने तीनों ले लिए। तो साथ ही साथ मैंने सोचा आप लोग को दिखाती जाऊँ। उसके बाद मुझे जीन्स की फिटिंग बहुत अच्छी लगी देखने में और कलर भी काफ़ी अच्छा लग रहा था तो मैंने किसको भी ले लिया। उसके बाद ये कुछ शर्ट के कलेक्शन आए हुए थे इनके साथ, तो आप चाहो तो ऐसे ये ब्लूज के साथ पहन सकते हो, काफ़ी अच्छा लगेगा, बट मुझे ये वाली शर्ट ज़्यादा अच्छी लगी तो मैंने इसको ले लिया, क्योंकि ये बहुत समर में ना अच्छा लगता है ये कलर, तो फिर मैंने ये लिया। और ये इनके डमी ने कुछ इनके लेटेस्ट कलेक्शन पहने हुए हैं जो कि अभी लॉन्च हुए हैं और काफ़ी अच्छे लग रहे थे, ये सब भी आप लोग देख सकते हो। और उसके बाद ये 299 में भी बहुत प्यारे प्यारे प्रिंट के टी शर्ट आए हुए थे तो मैंने सोचा ये भी दिखा दूँ साथ ही साथ आपको। और ये वाली टी शर्ट ना मेरे पास ऑलरेडी है, मैं इसके पहले गई थी जब मैंने इसको लिया हुआ था तो काफ़ी सुंदर लगी ये कलर, तो मैंने सोचा कि आपको भी दिखा दूँ। उसके बाद ये कुछ कलेक्शन आए हुए हैं जो कि मुझे इतने खास नहीं लगे इस बार ये वाले, बट ठीक है बेसिक से, तो मैंने सोचा ये भी आप लोग को दिखा दूँ, तो अगर आप लोग को जाना होगा तो आप लोग को थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। उसके बाद ये कुछ नाइट ड्रेसेस में कलेक्शन आए हुए थे, ये काफ़ी अच्छे आए हुए थे एक्चुअली गाइज, मैं जितने भी आपको दिखा रही हूँ ना आप लोग देख सकते हो, सारे अपने अपने पेयर्स के साथ थे और काफ़ी अच्छे लग रहे थे ये। और गाइज ये तो इसके साथ बहुत अच्छी कहानी है आपको ना, मैं जब ट्राई करके दिखाऊंगी तब पता चलेगा। जब मैंने इसको देखा ना मैं काफ़ी खुश हो गई थी कि कितना प्यारा लग रहा है, और मैंने इतनी खुशी खुशी ना इसका साइज़ लिया अपना, और मैंने सोचा कि इसको तो डेफिनेटली लेने वाली हूँ, बट मैं जब इसको आपको ट्राई करके दिखाऊंगी तब आपको पता चलेगा कि मेरे साथ क्या हुआ इस ड्रेस में। सो देखते रहो आगे। ओ हाय। एंड ये रहे जूडियो के स्लीपर्स के कलेक्शन इस समर के, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारे आए हुए थे गाइस। पर्सनली मुझे इस बार का इनका कलेक्शन बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, और बहुत ज़्यादा ऑप्शंस भी थे इस बार तो बहुत प्यारे लगे। और मैंने ये पिंक वाला ट्राई किया, मुझे ये बहुत प्यारा लगा, और साथ ही साथ मुझे ये वाइट बहुत पसंद आया था तो मैंने इसको ट्राई किया और मैंने इसमें से वाइट वाले को लिया। आपको इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा मुझे ज़रूर बताना। और ये कुछ इनके शूज़ के कलेक्शंस थे, और ये बाकी तो हमेशा जो मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ बेसिक से ये वही हैं, और नॉर्मली इसमें इतना कुछ ज़्यादा ऑप्शन नहीं था, बस ये जो अभी लेटेस्ट ही आए थे ये बहुत अच्छे थे, और ये इनका कुछ कॉस्मेटिक का कलेक्शन था। सो हे गाइस, सॉरी टू इंटरप्ट यू, वीडियो आगे देखने से पहले मुझे आप लोगों को कुछ बताना है, एक्चुअली बताना नहीं है मुझे आप लोगों को सीधे इंट्रोड्यूस कराना है, वो है जूक से। सो गाइस आप लोग देख सकते हो मेरे हाथ में है जूक का बैग, और गाइस ये प्राउडली इंडियन ब्रांड है। सो गाइस आप लोग देख सकते हो मेरे पास कितना प्यारा बैग रिसीव हुआ है जूक से, और आजकल ना मैं सच बताऊं मेरा ऑब्सेशन हो गया है जूक ब्रांड के बैग का। गाइस सीरियसली इतने सुंदर बैग बनाता है ये, आप लोग खुद देख सकते हो इसकी डिजाइन, इसका कलर, हर एक चीज इतना परफेक्ट बनाते हैं ये लोग, मतलब मुझे इतना ज्यादा पसंद है ना पर्सनली, इसीलिए मैं आप लोगों को हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि आप लोग भी जूक को अपना ऑब्सेशन बना लो मेरी तरह, क्योंकि मुझे तो पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है। और गाइज आप लोग देख सकते हो ये जितनी भी आप डिजाइन देख रहे हो ये सारी हैंडक्राफ्टेड है, और साथ ही साथ ये पीटा अप्रूव्ड है और वीगन प्रोडक्ट है। एक ही ब्रांड में जब इतनी सारी चीजें मिल जाएंगी तो हम किसी और ब्रांड में क्यों जाए, और स्पेशली ये तो हमारी इंडियन ब्रांड है। मैं डिस्क्रिप्शन में इनकी लिंक डालूंगी गाइज, तो जाके आप उनकी वेबसाइट को चेक करना गाइज, आप लोग को वहां पे बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन मिल जाएंगे, और मैं इस चीज की श्योरिटी ले सकती हूँ कि आपको वहां से डेफिनेटली बैग्स पसंद आएंगे, क्योंकि इनके पास बहुत ही प्यारे प्यारे और बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट कलेक्शन मिल जाएंगे, और आप जैसे बैग्स चाहेंगे आपको सारे टाइप्स के बैग इनके ब्रांड में अवेलेबल मिल जाएंगे।
सो आप इसका थोड़ा सा क्लोज लुक देखिए गाइज, ये कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, इसलिए मैंने आपको सोचा थोड़ा सा ऐसे स्टाइल करके भी दिखा दूँ। और ये गाइज इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था ना, डेफिनेटली जब आप भी इसको यूज़ करेंगे ना तो लोग ज़रूर पूछेंगे कि आप लोगों ने कहाँ से लिया है। और आप इसका लुक देख सकते हो, उसका कलर, मतलब हर एक चीज़ इसका बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है। और आपको मैं ऑलरेडी पहले भी बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ, इनके बहुत प्यारे प्यारे कलेक्शंस मैंने भी आपको दिखाए हैं, और वैसी एक और सुंदर सा कलेक्शन मेरे पास है आज फिर से, आप लोग देख सकते हो। ये आप जैसे चाहो वैसे वेयर कर सकते हो, आप ट्रेडिशनल में, वेस्टर्न में, ये हर एक लुक में आपके पास जाएगा। आप लोग देख सकते हो इसकी फिनिशिंग, इसका डिजाइन, मतलब मुझे इसके कलर से इतना ज्यादा ऑब्सेशन हो रहा है, आप खुद देख सकते हो। एंड हाँ, ऑल्सो यूज माई कूपन कोड YT Saraswati10 फॉर 10% डिस्काउंट। तो गाइज देरी किस चीज के, जल्दी से जाओ शॉपिंग करो और मेरा कूपन कोड भी यूज करो ताकि आप लोग को 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा और जाके अपनी शॉपिंग एंजॉय करो। थैंक यू। तो चलिए फिर लड़कों का कलेक्शन भी देख लेते हैं साथ ही साथ, तो लड़कों का कैसे छोड़ सकते थे, तो चलो आप लोगों का भी कलेक्शन दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को। तो बस वीडियो में आप लोग देखते जाओ आपके कलेक्शन, ताकि आप लोग को भी आइडिया हो जाएगा कि आप लोग के लिए क्या क्या लेटेस्ट कलेक्शन आया हुआ है, फिर जाके आप लोग भी शॉपिंग कर सकते हो। तो देखिए सारे क्या क्या आए हुए हैं। एंड ये था आज का मेरा शॉपिंग लुक, भले तो OOTD। अब सारे कलेक्शन दिखाई दिए थे तो मैंने सोचा फटाफट मैं आपको किड सेक्शन भी दिखा दूँ थोड़ा बहुत, अगर कोई पेरेंट्स देख रहे हो तो आप लोग को भी हेल्प हो जाएगी कि आपके किड्स के लिए भी कैसे कैसे कलेक्शन आए हुए हैं अभी, तो आप लोग देखिए। एंड गाइज, आपने अभी तक अगर ज़ेडियो विज़िट नहीं किया है तो जल्दी से विज़िट कर लो, वरना फटाफट तो यहाँ के स्टॉक इतनी जल्दी जाते हैं कि अगर मैं आपको आज दिखा रही हूँ तो क्या पता आप दो तीन दिन बाद जाओगे तो आपको ये स्टॉक भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि बहुत ही जल्दी ज़ेडियो के ना कलेक्शन जाते रहते हैं और बहुत ही चेंज होते रहते हैं। तो अगर इनमें से आपको कोई पसंद आ रहा है तो आप जल्दी से चले आना, और मैंने जितना हो सकता था आपको सारा ही कवर करके दिखा दिया ना। आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा हो, मैंने कोशिश करा है कि मैं आपको सभी साथ में दिखा दूं। और ये कुछ इस साइड ना एथिक वेयर थे लड़कियों के, काफ़ी अच्छे थे ये भी, इसमें कुर्तीज थे और कुछ ड्रेसेस, बाकी ये सारी जितनी भी चीज़ें थी लड़कियों की एथिक वेयर की वो सारी थी इस सेक्शन में। तो ये आप लोग कुछ देख सकते हो थोड़े बहुत कलेक्शन, और ये यहाँ पर मैं आपको साथ ही साथ ट्राई करके भी दिखा रही हूँ ये तीनों टी शर्ट्स जो मैंने ली थी घर के लिए। उसके बाद ये जो ड्रेस मैंने आप लोग को दिखाई थी ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी गाइज, इसकी फिटिंग भी बहुत अच्छी थी, और ये शर्ट जो मैंने आप लोग को बताया था ये भी काफ़ी अच्छा लगा। और आप लोग इसको देख सकते हो फुल लुक में, ऐसा लग रहा है ये ढीला ढीला सा लिया है क्योंकि मुझे ना कम्फर्ट ड्रेसेस बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसके बाद ये देखिए गाइज, मैं इसकी बात कर रही थी कि मेरे साथ क्या हुआ, ये ड्रेस फ्लॉप हो गई गाइज, मैं इतने ज़्यादा शौक से लेके आई थी इसको, बट जब मैंने इसको ट्राई करके देखा गाइज इसकी फ़िटिंग बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, तो मैंने इसको बिल्कुल नहीं लिया। और बस यहाँ पे मैंने कर ली अपनी शॉपिंग डन, और अब जल्दी से करवा लेते हैं बिल और उसके बाद चलते हैं घर। और गाइज आई होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैंने आप लोग को इस वीडियो में सारी ही चीज़ें दिखाई हैं, और प्लीज़ अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना वीडियो को। सो गाइज फाइनली हो गई मेरी शॉपिंग डन, और आई होप कि आप लोग को इस वीडियो में मज़ा आया होगा, मैंने जो भी चीज़ें ली मैंने आपको सब दिखा दिया। सो मैं यही करती हूँ इस वीडियो को एंड, सो प्लीज़ गाइज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय गाइज़।